उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल रोहतक के मोखरा गांव में आयोजित एक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 ओलंपिक खेलों में किक बॉक्सिंग को भी शामिल किया जा रहा है। इस खेल में शामिल होने से हरियाणा के किक बॉक्सिंग को और भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं उप मुख्यमंत्री ने समारोह में अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान साक्षी मलिक सहित अन्य खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इससे पूर्व उप मुख्यमंत्री ने सोनीपत लघु सचिवालय में आयोजित सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण समारोह के दौरान कहा कि 28 अगस्त को खरखोदा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मारुति सुजुकी प्लांट के निर्माण कार्य का शुभारम्भ करेंगे। सारे मोखरा ग्रामवासियों का आभार प्रकट करता हूँ कि उनने अपनी बेटियों का आज सम्मान बढ़ाया है। हमारी दो बहनें एक कॉमनवेल्थ में एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत के आई, एक कराटे पुलिस गेम्स में गोल्ड मेडल जीत के आई और एक यूपीएससी के अंदर उसने आईएएस की अपनी रैंकिंग को क्लियर किया है। ये मोटिवेशन है जो पीढ़ी दर पीढ़ी गांव में हमें ताकत देती है और मैं कहता मानता हूं कि हरियाणा की धरती में यही एक फैक्टर है जो दिन प्रतिदिन हमारे खिलाड़ियों की संख्या को बढ़ा रहा है। रोहतक में आयोजित समारोह में शामिल अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान साक्षी मलिक और रितिका ने प्रदेश सरकार की खेल नीति की सराहना की। खेलों का स्तर बहुत बड़ा है, मुझे 18 साल हो गए कुश्ती में खेल करते हुए, तो मेरी आंखों के आगे इतना फ़र्क पड़ा है कि मेरी जब मैंने कुश्ती शुरू की थी तो इतना ज़्यादा कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, फैसिलिटीज़ में भी फ़र्क पड़ा है। और आप देखोगे कि गांव में नई नई लड़कियां आ रही है, वर्ल्ड चैंपियन बन रही है मेरे ही गांव से, तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरे मेडल को देख के लड़कियाँ निकल रही हैं और मेडल जीत रही हैं। खेल नीति बिल्कुल बढ़िया है, जैसे भी हम मेडल जीत के आते हैं तो हरियाणा सरकार हमें सम्मान करती है, हमें मान सम्मान देती है, तो बिल्कुल बढ़िया है। आज मेरा इटली में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आया है तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है।